तब है दुर्गा अष्टमी और महानवमी। माँ दुर्गा के किस स्वरूप की होगी पूजा, जाने मुहूर्त और महत्व। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन विशेष होते हैं, लेकिन इसमें दुर्गा अष्टमी और महानवमी का बड़ा महत्व है। नवरात्रि की प्रतिपदा यानी पहले दिन कलश स्थापना करते हैं और व्रत रखते हैं। जो लोग 9 दिन तक व्रत नहीं रखते हैं, वे पहले दिन और दुर्गा अष्टमी को व्रत रखते हैं। महानवमी के दिन नवरात्रि का हवन करते हैं। आइए जानते हैं कि इस शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और महानवमी कब है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा होती है, जाने दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर बनने वाले शुभ योग और मुहूर्त के बारे में। दुर्गा अष्टमी का व्रत शारदीय नवरात्रि की अष्टमी यानी आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर शनिवार को रात 9:53 से शुरू हो रही है और 22 अक्टूबर रविवार को शाम 7:58 तक मान्य है। उदया तिथि के आधार पर दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी होती है। यह व्रत आश्विन शुक्ल नवमी तिथि को रखा जाता है। वैदिक पंचांग के आधार पर इस वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर रविवार को शाम 7:58 PM से हो रहा है और इस तिथि का समापन 23 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:44 PM पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर महानवमी 23 अक्टूबर को है। नवरात्रि में कन्या पूजन कुछ लोग दुर्गा अष्टमी के दिन तो वही कुछ लोग महानवमी के दिन करते हैं। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी या 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन कर सकते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:26 से शाम 6:44 तक है। ऐसे में आप 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से कन्या पूजन कर सकते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त इस साल महानवमी 23 अक्टूबर को है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:27 से शाम 5:14 तक है। वही रवि योग पूरे दिन है। ऐसे में आप 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद से कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।